नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जानंद है। ये मेरा चैनल है डीआर टेक्नोलॉजी। यहाँ मैं टेक की वीडियो बना के हिंदी में अपलोड करता हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ मैंने कुछ वीडियो ऑलरेडी बना के अपलोड करी हुई है और इन फ्यूचर भी मैं अपलोड करता रहूँगा। सो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारी डीआर टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारी डीआर टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब कर लें। आज मैं डीआर टेक्नोलॉजी के ट्यूटोरियल बना रहा हूँ, जिसका आप देखेंगे कि अपने लैपटॉप में या अपने कंप्यूटर में कैसे पता करेंगे कि हमारा कौन सा पार्ट कितना यूज हो रहा है, चाहे सीपीयू हो, चाहे आपका हार्ड डिस्क हो, चाहे इंटरनेट हो, किसी तरह करेंगे। इसके लिए आपको करना क्या है, कोई सॉफ्टवेयर डालने की जरूरत नहीं है, कुछ एडवांस इसका इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। अपने लैपटॉप में या अपने कंप्यूटर में, अगर आपका विंडो 10 है या विंडो 8 है, तो आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना है टास्क मेजर पर। ये जो आपका टास्क बार है, यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है। उसके बाद आप टास्क मेजर पर क्लिक कीजिएगा, ये वाली विंडो खुलेगी टास्क मैनेजर। इसके अंदर एक ऑप्शन होता है, इसको बोलते हैं परफॉर्मेंस। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारी सीपीयू की स्पीड वगैरह आ रही है, कितना यूज हो रहा है, क्या हो रहा है। ये हमारी मेमोरी है, रैम की आ रही है, ये हमारे हार्ड डिस्क आ रही है, ये हमारी हार्ड डिस्क आ रही है, ये हमारा इंटरनेट आ रहा है। ठीक है, अगर इसको छोटा करना हो तो आप यहाँ पे एक बार डबल क्लिक कर लीजिए, यहाँ पर छोटा हो जाएगा। और इसको आपको बड़ा करना हो तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा, ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसके आप पूरी डिटेल आप यहाँ से पता लगा सकते हैं। इसको आप यहाँ से बंद, सिंपल सा तरीका है। इसके अलावा अगर इन फ्यूचर कुछ पूछना हो तो आप मेरे कमेंट में पूछिएगा, उसका मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। बाकी जाते जाते मैं आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारी डीआर टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए बाय।